ये बुलेट किसी एजेंसी के स्टॉक रूम में नहीं खड़ी है, ये पुलिस द्वारा जब्त की गई बुलेट है जो थाने में खड़ी धूल फांक रही है। पूरा मामला जानकर आपके भी होश फाकता हो जाएंगे। दरअसल बहादुरगढ़ का यह स्थानीय पुलिस थाना है और ये सभी वो गाड़ियां हैं जो पटाखा बजाती हुई चलती हैं। नहीं समझे? अरे भाई, शौक भी बड़ी चीज होती है। सड़कों, गली मोहल्लों में आपने अचानक फटफट की आवाजें सुनी ही होंगी। वो आवाजें जिसे सुनकर अचानक कलेजा मुंह को आ जाए। तो जनाब, ये उन्हीं नवाबों की गाड़ियां हैं जो दूसरों को हो रही असुविधा से बेफिक्र होकर अपनी बुलेट से पटाखे बजाते हुए सड़कों पर फुर्र से उड़ जाते हैं। लेकिन भला हो बहादुरगढ़ पुलिस का जो ऐसे मनचलों की जी भर के मजम्मत कर 294 बुलेट मोटरसाइकिलों पर पूरे 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर गाड़ियां जब्त कर ली। आपको बता दें कि ये वो बुलेट मोटरसाइकिलें हैं जिनमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इनसे पटाखे जैसी तेज आवाजें निकलती हैं। 294 जो बुलेट पटाखा हैं, उनका चलान किया गया है और इनका लगभग 44 लाख समथिंग इसका जुर्माना लोगों के लगाया गया है। आए दिन एक मार्केट के अंदर भी 6-7 मोटरसाइकिलें बुलेट आके उनके पटाखे की आवाज़ निकालती थी, जिससे लोगों के अंदर गोली चलने जैसा भय का माहौल रहता था, जो सुधार में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। पुलिस की कार्यवाही यही नहीं रुकी, यातायात पुलिस ने 418 ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों के भी चालान काटे। इन मनचले शरारती तत्वों की वजह से आम लोगों में हमेशा दहशत का माहौल रहता है और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी तो होती ही है। यातायात पुलिस की शरारती तत्वों पर की गई इस पहल की जितनी तारीफ की जाए कम है, और पूरे प्रदेश ही नहीं देश में भी इस तरह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सूर्या समाचार के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट।